नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में लेंगे भाग। सम्मेलन के दौरान कृषि वानिकी, पशु मत्स्य पालन, जूलॉजी समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को ठहराया सही। नोटबंदी से पहले आरबीआई और सरकार के बीच 6 महीने तक चला था विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और अस्पतालों में क्रियाशील आईसीयू रखने के दिए निर्देश। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित। 4 से 7 जनवरी तक लखनऊ जनपद में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। और उत्तर प्रदेश में 2023 के नए सत्र के साथ मदरसों में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। अब मदरसों में भी नर्सरी और केजी में भी लिए जाएंगे दाखिले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारत के प्रमुख शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हर साल यह कार्यक्रम केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कृषि वानिकी, पशु मत्स्य पालन, जियोलॉजी समेत सम्मेलन में 14 विभिन्न विभागों के अभिनव शोध पर चर्चा, भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को सम्मान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम है। और जाहिर है कि ये पहला जो 1974 में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो विद्यापीठ के 50 साल पूरे होने पे हुआ था, और ऐसा ही सेकंड 50वें साल में हमको दोबारा मिला है मौका। ये पूरे देश के जो माने हुए या अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, अटेंड करते हैं। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस बार 2 अनोखे उपक्रम विज्ञान कांग्रेस में आयोजित किए गए हैं, जिनमें एक है विज्ञान और समाज और दूसरा है जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। हमारी कॉलेज में ज़्यादा रिसर्च पेपर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आने वाले हैं, उन्होंने जो रिसर्च किए हैं वो सारी चीज़ हम सीख सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को कैसे सीखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द साइंटिस्ट एंड विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर फ्यूचर एंड दिस इज अ लॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से हो गए। उन साइंटिस्ट लोगों के साथ जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े बड़े मतलब उन्होंने स्टडी किए, रिसर्च किए, उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और ये जो 5-6 दिन का जो सेशन होने वाला है ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक रहेगा और स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएमएमएल सोसाइटी की वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने भारत के अतीत के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की, आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को युवाओं में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बात की और देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इसकी सामग्री के बारे में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने को कहा। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की आगामी 200वीं जयंती के अवसर पर शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों से उनके योगदान के बारे में शोध करने का आह्वान किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई विमुद्रीकरण को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में 1,000 रूपये और 500 रूपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। नए साल का पहला कार्य दिवस और देश की सर्वोच्च अदालत का बड़ा आदेश। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में किए गए विमुद्रीकरण को लेकर करीब 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए विमुद्रीकरण के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। न्यायमूर्ति SA नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 500 और 1,000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पीठ के चारों न्यायाधीशों सहित जस्टिस S अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम ने मामले पर केंद्र के फैसले को सही ठहराया, जबकि जस्टिस VB नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI, और रिकमेंडेशन RBI का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझें तो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले में खामी नहीं हो सकती, क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच इस मुद्दे पर पहले विचार विमर्श हुआ था। सरकार और RBI के बीच बातचीत से यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि केंद्रीय बैंक के पास नोटबंदी करने की कोई शक्ति नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीति होने के कारण निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि 8 नवंबर 2016 को लाई गई विमुद्रीकरण की अधिसूचना वैध थी। हालांकि जस्टिस वीवी नागरत्ना की राय अलग थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विमुद्रीकरण के खिलाफ सभी 58 याचिकाओं को खारिज करने के शीर्ष अदालत के कदम की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट ने माना है कि सरकार की नीयत और नीति सही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। द सुप्रीम कोर्ट टुडे बाय अ मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ 4-1 हैज डिसमिस्ड ऑल द 58 रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द हिस्टोरिक डिमोटाइजेशन स्कीम लॉन्च इन 2016 बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि दिस होल एक्सरसाइज वॉज डन फॉर अ वैलिड कॉज नेमली रिमूविंग फेक करेंसी कंटेनिंग टेरर फंडिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और पी चिदम्बरम को निशाने पर लिया और पूछा कि क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देशभर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? ये पहला सवाल है। पूरी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, आपको मालूम है, अपने पुराने आप निकाल के देखिए अखबार की कतरने और न्यूज बाइट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात है चिदम्बरम साहब, आप तो बहुत काबिल वकील हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं,
मेजॉरिटी जजमेंट जिसने सब सही माना उस पर खामोश, और माइनॉरिटी को कहते हैं हमें थप्पड़ लगा, भले ही कलाई पे लगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे बाद ही ये पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे। सरकार के फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया। विमुद्रीकरण के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने भी याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र का फैसला गलत है। शीर्ष अदालत ने पिछले 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विमुद्रीकरण की कवायद एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। केंद्र ने यह भी बताया था कि आरबीआई से सलाह मशविरे के बाद ही फैसला लिया गया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विमुद्रीकरण से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के फैसले पर मोहर लग गई है, तो साथ ही विपक्ष के तमाम आरोपों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखने, कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराए जाने और सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव किए जाने और प्रत्येक जनपद में आईसीयू क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार लोगों को प्रिकॉशन डोज दिए जाने के लिए भी जागरूक कर रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में एक दिवसीय निवेशक व निर्यातक सम्मेलन आयोजित किए जाने के लिए भी कहा। बैठक में बताया गया कि शीतलहर में निराश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में अब तक 1200 से अधिक रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। 2023 की शुरुआत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। दिल्ली हो या यूपी, मध्य प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, सब जगह नए साल के दूसरे दिन शीतलहर और कोहरे के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो राष्ट्रीय राजधानी में दिन में हल्का कोहरा देखा गया। सुबह घर लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते सुबह के समय लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में धूप न खिलने से दिन में भी लोगों को ठंड झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड तो बहुत है, आराम आराम गाड़ी चलाते हैं, देखकर आराम आराम चलाते हैं, स्लो गाड़ी 30-35, 20-25 चलाते हैं। हाँ जी, दिक्कत होती है क्या? कोहरे दिक्कत तो बहुत होता है, दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद सभी शहरों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। ठंड फिलहाल में तो कम है, वैसे 2 दिन पहले ज्यादा थी। ठंड के लिए आग तापते हैं, आग जलाते हैं। ठंड कल तो कम थी, आज ज्यादा है कुछ, और पहले और ज्यादा थी। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर प्रदेश पर पड़ने लगा है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने दिन और रात का पारा तेजी से गिराया है। प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा और तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दतिया, रायसेन, दमोह, ग्वालियर, खजुराहो, सागर और भोपाल में मध्यम कोहरा रहा। बिहार में भी शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर के कारण कई जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। कोहरे के कारण हवाई जहाज की उड़ानें और ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। राज्य के हर गांव, शहर, कस्बे में सड़कों, चौराहों और घरों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते दिखाई दिए। ठंड के साथ साथ शीतलहर और कोहरे को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार साल 2023 का जनवरी आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार
आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि इन राज्यों समेत राजस्थान में भी शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में ठंड अपना असर दिखा सकती है और आम जनजीवन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। प्रदेश में हो रही कड़ाके की ठंड के चलते कल जनपद लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सभी बोर्डों के 12वीं तक के स्कूलों की 4 जनवरी से 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। सभी सरकारी और निजी स्कूल जनपद में बंद रहेंगे। यह आदेश शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों पर भी लागू होगा, जबकि आपातकालीन सेवा पर तैनात कर्मी स्कूल जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कड़ाई के साथ ये आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश यथावत रहेगा। परीक्षा के लिए भी कोई छूट नहीं है। हालांकि आज स्कूल 10 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। आगरा में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की तीसरी त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर और राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे द्वारा जिले में मनरेगा के तहत 15 ब्लॉकों में 60 गौशालों का निर्माण जनवरी तक पूरा किए जाने, रखरखाव और साफ सफाई के कार्यों को समय से कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन के लोग जब जनसेवा केंद्र हो गए, इसके बाद भी एनजीओ को कैसे मिल जाते हैं? जब दिव्यांग विभाग होने के बावजूद रोज एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं साइकिल या वो बांटती हैं, तो जब हमारे पास विभाग है तो डबलिंग नहीं होनी चाहिए। वो लोग तभी जाते होंगे जब उनको नहीं मिल पाता होगा। तो कुल मिला के ये है कि अब हमने तय किया है कि कोठी मीना बाजार में प्रचार प्रसार के साथ आगरा पूरे शहर की तीनों विधानसभाएं और रत्नापुर का एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड और ये क्या होता हमारा आधार कार्ड के मौके पर कैंप लगाकर के वहीं पर ऑनलाइन भर के वहीं पर प्रमाण पत्र देते हुए पूरा करेंगे। ऐसा करके ये हम लोग एक अंत्योदय का काम करेंगे। सोनभद्र जिले के बभनी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में 23वें राष्ट्रीय वनवासी खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 दिन तक चले इस महायोजन में देश के 28 राज्यों सहित पड़ोसी राज्य नेपाल के खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर न सिर्फ वनवासी समाज से जुड़े खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, बल्कि विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के आदिवासी समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हम ग्रेट अंडमानस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि अंडमान के एक आदिवासिया है, जिन्होंने बैटल ऑफ अबेडिन तो सबने सुना होगा, उनमें लड़ाई की थी ब्रिटिश लोगों से और अंडमान की आजादी पाने में उनका बहुत सहयोग है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि इतना स्टेट से आए हैं, पहली बार इतने सारे लोगों से मेल मिलाप हुआ, सभी से बात करके अच्छा लगा और हमें खेल से ये प्रेरणा मिली कि मतलब हार हो चाहे जीत हो, मतलब कभी मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए, हार हो गए तो घबराना नहीं चाहिए और जीत हुए तो इतराना नहीं चाहिए।
यूपी नगर निकाय चुनाव में प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी की तारीख दी है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर यूपी सरकार ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और अन्य के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने के निर्देश को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर 4 जनवरी को सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सहमत हो गया। राज्य सरकार ने 27 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में कहा है कि उच्च न्यायालय 5 दिसंबर के मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शहरी निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। नए साल के मौके पर दिल्ली के कंजावला में हुई लड़की की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, जहां दिल्ली पुलिस का कहना है कि लड़की की बॉडी को 10 से 12 किलोमीटर घसीटा गया है। फिलहाल जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। इसके अलावा फॉरेंसिक और लीगल टीम की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली के रोहिणी जिले के कंझावला में एक युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई है। मामले की जांच चल रही है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वे पीड़िता के परिवार के लगातार संपर्क में हैं। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। पुलिस का कहना है कि वो सारे सबूत इकट्ठा करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। जो 5 अक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी। सारे एविडेंस के आधार पर, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इससे पहले मृतक युवती के परिजनों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच न्याय की गुहार लगाई। अगर उन्होंने रेप करा है तो रेप का केस भी लगेगा और उन लड़कों को फांसी देने की बोला है। बस इंसाफ की अपील है और कोई अपील नहीं है। एक ओर जहां पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी का इस्तेमाल किया। गुस्से से भरे लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला की गाड़ी को तोड़ डाला। इस बीच भाजपा ने पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही राजनीति पर उनकी आलोचना की है। जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के शह के ऊपर वो जो पुलिस वैन थी वो रुकी नहीं। जब वो घटना हुई क्या उनको मालूम था, पुलिस वालों को मालूम था क्या कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं या एलजी साहब के लोग हैं? किस तरह की बातें करते हैं ये, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं अपने स्कोर सेटल करने के लिए? एलजी साहब के साथ जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, वो निंदनीय है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि उन्होंने पुलिस आयुक्त को पूरे मामले की जांच और आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है, यहां तक कि पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद उपराज्यपाल ने आम लोगों से भी अपील की है कि सब मिलकर एक अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज की दिशा में काम करें। गौरतलब है कि रोहिणी जिले के कंझावला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 5 लड़कों ने एक स्कूटी सवार लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक ले गए। इसमें युवती की मौत हो गई और उसका शव छत्रछत अवस्था में पुलिस ने बरामद किया।
पुलिस अलग अलग पहलुओं से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके लिए फॉरेंसिक टीम से भी मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है। अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और 7 साल की सजा सुनाने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला मुख्तार अंसारी द्वारा 2003 में एक जेलर को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना एफपीओ के माध्यम से साकार होने लगा है। मेरठ की सरदना तहसील के कुशावली गांव के किसानों ने बासमती चावल के लिए देश का पहला ऐसा एफपीओ बनाया जो केवल देश नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचेगा। मेरठ में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का अवसर देने के लिए नाबार्ड समर्पित नीर आदर्श ऑर्गेनिक कृषक उत्पादक संगठन सरदना मेरठ एवं चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के मध्य बासमती चावल पर एमओयू साइन किया गया। एफपीओ को निर्यातक से मिलवाने में रचित तो उपल जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड एवं डॉक्टर रीतेश शर्मा प्रधान वैज्ञानिक बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन एपीडा की अहम भूमिका रही। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड रचित उपल ने बताया कि बासमती चावल एफपीओ को देख किसान एफपीओ से जुड़ रहे हैं। एफपीओ में लगभग 400 किसान अब तक जुड़ चुके हैं। सीबीबीओ के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसके साथ मिलकर सरदना में एक एफपीओ की स्थापना करी। अभी यहाँ पे 400 से ज्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको दोनों तरफ लाभ मिलता है। जब हम इनपुट्स की बात करते हैं तो इनपुट्स इनको कम दरों पे मिलती है और आगे जब हम मार्केटिंग की बात करें तो इनको आगे मार्केटिंग में भी सहयोग मिलता है एफपीओ के माध्यम से। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वाला एफपीओ जब देखा गया था तो बासमती चावल पे इनका काम शुरू हुआ था। इनको अभी शुरू हुए एक ही साल हुआ है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में लेंगे भाग। सम्मेलन के दौरान कृषि वानिकी पशु मत्स्य पालन जियोलॉजी समेत कई विषयों पर होगी चर्चा विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और अस्पतालों में क्रियाशील आईसीयू रखने के दिए निर्देश। बिहार यूपी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित। 4 से 7 जनवरी तक लखनऊ जनपद में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। और उत्तर प्रदेश में 2023 के नए सत्र के साथ मदरसों में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। अब मदरसों में भी नर्सरी और केजी में भी लिए जाएंगे दाखिले। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।